तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29th of July का करंट अफेयर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण और मज़ेदार करंट अफेयर्स के बारे में जो कि हमारे देश में होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं बिना वक्त गवाए। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाली निश्याती मीन्स किस देश की है? तो गाइस वो है जापान की। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सा देश दुनिया का पहला स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव करेगा? तो वह है दोस्तों चाइना। तीसरा है, हाल ही में CRPF ने अपना कौन सा स्थान दिवस मनाया है? तो वह दोस्तों 83वां स्थान दिवस मनाया है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में हरित सोहरा वनीकरण अभियान को किसने लॉन्च किया है? तो वह है दोस्तों हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। हाल ही में किस राज्य सरकार ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में हुए कटलेस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ है? तो वह है तलवार। सातवां क्वेश्चन, हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो वह दोस्तों 28 जुलाई। आठवां है, हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो वह है धौलावीर। नौवां, हाल ही में जारी WTO की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक कृषि नियंत्रण में भारत कौन से स्थान पर है? तो वह है नौवें स्थान पर। दसवां, हाल ही में किस शिक्षा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कंपनी ने सिंगापुर स्थित ग्रेट लर्निंग का $16 करोड़ के अधिग्रहण किए हैं? तो ये आपका होमवर्क है दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।